तीर्थांकर महावीर विश्वविद्यालय की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आयोजित फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में NCERT तथा DTE के पूर्व हेड प्रोफेसर एस यादव ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजेस, संस्थानों में गुणवत्ता को लेकर शिक्षण विधि, संचार शैली, स्वयं के मूल्यांकन, परस्पर संबंधों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही चरों की भूमिका भी गहनता से बताई। ये भी बताया कि कोई भी टीचर स्वयं की शिक्षण विद्या का मूल्यांकन कैसे कर सकता है। प्रोफेसर यादव ने शिक्षकों से सवाल भी किए, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ाते हैं, संचार शैली क्या है। ये भी बताया कि शिक्षक के स्वयं का मूल्यांकन करने का तरीका क्या होना चाहिए। वे बोले कि मूल्यांकन का परिणाम शिक्षण को बेहतर कैसे बनाए पर केंद्रित होना चाहिए। शिक्षक को छात्रों का सम्मान करना चाहिए, तभी हमें बदले में सम्मान मिलेगा। संदीप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अंजू सक्सेना ने भारत में शोध की स्थिति पर वक्तव्य दिया। प्रतिभा पलायन पर चिंता जताते हुए बोली कि छात्र बेहतर संस्थान और पे स्केल की तलाश में विदेश की ओर रुख कर जाते हैं। उन्होंने गिरते शोध के कारणों के बारे में बताया कि समय और बजट के अभाव के कारण शोध का स्तर गिर रहा है। देश में शोध को लेकर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। कुलपति प्रोफेसर राकेश मुद्गल, डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर के पांडे, जॉइंट रजिस्ट्रार डॉक्टर वैशाली ढींगरा, CCS IT डॉक्टर आर के द्विवेदी, निदेशक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेसर अजय रोहेला आदि इस अवसर पर मौजूद रहे। आगे आए दोस्त भी रहे हमारे, आप सर मातेश नर्सिंग डिपार्टमेंट टू द स्टूडेंट टू इम्पार्ट द नॉलेज एंड दे एक्वायर द स्किल्स इन देयर प्रैक्टिस। तो तीसरी पॉलिसी के लिए 2014 से ही प्रयास किए जा रहे, मगर अभी तक वो अखबार में आते हैं। मंत्री साहब कह रहे थे 30 दिसंबर को आ जाएगी, वो भी चला गया, अभी पता नहीं क्या होगा। बट इसके ऊपर काफी एक्सरसाइज हुई, आप जैसे लोग वो इसमें काफी कंट्रीब्यूट किया, सेमिनार हुए, कॉन्फ्रेंसिस हुए, सारे देश में हुए, डॉक्यूमेंट बने, ड्राफ्ट बने, कई ड्राफ्ट बने, कई चेयरमैन बने, लेफ्ट इन लॉ बट इट इज स्टिल अंडर।